आज हम लोग जो भौतिकी का जो न्यूटन का गति का नियम है उसमें अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है, तो आज हम लोग अभिकेंद्र बल किस प्रकार जब कोई कार है या कोई साइकिल है वह जब वृत्तीय मोड़ पर जाता है तो किस प्रकार से उसे घर्षण मदद करता है और किस तरह से और घर्षण के द्वारा जब अभिकेंद्र बल दिया जाता है, तो पहले तो हम लोग अभिकेंद्र बल के बारे में देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर जब चलने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा जो समतल गति का जो कि तुम्हारा चौथा नंबर अध्याय है, उसमें हमने बोले वृत्तीय गति में समतल में गति जो चैप्टर था उसमें हमने बोले वृत्तीय गति पढ़ा था, उसमें एक त्वरण के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अभिकेंद्र त्वरण। तो आज उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण। त्वरण देने के लिए क्या चाहिए, एक बल चाहिए, तो उसको भी उस लेक्चर को देख सकते हो राइस्टोरियल ऐप पर, तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके राइस्टोरियल ऐप पर उसको जो है तुम उस लेक्चर को भी देख सकते हो। जो समतल में गति जो चौथा एक्सरसाइज है उसका लास्ट जो तुम्हारा लेक्चर होगा उसमें तुम देख सकते हो, उसमें अभिकेंद्र त्वरण को बताया गया है, उसमें देख सकते हो अभिकेंद्र त्वरण का जो कि कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक होगा अभिकेंद्र त्वरण उसमें बताया गया है। तो कुछ बात इस तरह से वृत्ताकार पथ पर चलना है किसी पार्टिकल को किसी कण को, तो उसकी जो गति की दिशा होती है उसका जो वेग का दिशा होता है वो हमेशा क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर चलना है किसी को तो उसके जो वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। वेग की दिशा सरल जो कि है किसी भी जगह पर उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो वेग जैसे यहाँ पर है तो इधर होगी, यहाँ पर है तो इधर होगी, तो इस ढंग से अगर चल रहा है तो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा पर के अनुसार होने का मतलब है कि वेग की दिशा हमेशा बदलती रहती है। तो वेग की दिशा को बदलने के लिए वेग की वेग एक सदिश राशि है, उसकी दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वेग में जो परिवर्तन होता है तो उसे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी आर है, वेग अगर चाल उसकी जो है एक समान चाल पथ भी है, तो अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है भी स्क्वायर बाय आर, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग का देख चुके हैं समतल में गति जो तुम्हारा अध्याय है उसमें तुम अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक पढ़ा होगा, ए बराबर भी स्क्वायर बाय आर। ऐसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु के वेग की दिशा हमेशा बदलती रहती है। बदलती रहती है जिससे वेग में परिवर्तन होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन परिवर्तन की दर अभिकेंद्र त्वरण कहलाती है। इस त्वरण को देने वाला बल, इस त्वरण को प्रदान करने वाला बल प्रदान कर सकते हो, इस त्वरण को प्रदान करने वाला बल प्रदान करने वाला बल केंद्र की ओर लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई कि अभिकेंद्र बल के बिना कोई भी वृत्तीय गति संभव नहीं है।
वृत्तीय गति अगर संभव चलना है वृत्तीय गति में तो अभिकेंद्र बल चाहिए, वृत्तीय गति अभिकेंद्र बल के बिना संभव नहीं है। देख लेते हैं ये बात भी, वृत्तीय गति अभिकेंद्र बल के बिना, अभिकेंद्र बल के बिना संभव नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान m कॉमा उसकी चाल भी एवं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, एवं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण बराबर भी स्क्वायर बटे आर। तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल बराबर एम गुना भी स्क्वायर बटे आर। तो एफ बराबर क्या हो गया, एम भी स्क्वायर बटे आर। तो भी बराबर जैसे ओमेगा आर भी होता है, तो भी बराबर क्या होता है, तो उसके वो भी व्यंजक लिख सकते हैं हम लोग, भी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो भी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। तो एफ बराबर क्या हो गया, एम इंटू ओमेगा आर का होल स्क्वायर बटे आर। तो एफ बराबर क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पर ओमेगा बराबर कोणीय वेग, ओमेगा बराबर कोणीय वेग हो गया और आर त्रिज्या। तो ये हो गया अभिकेंद्र बल का कुछ परिभाषा हो गया। जब वस्तु जो है, तुमको इस चित्र में इसको दिखा सकते हैं कि वस्तु की त्रिज्या जो है वृत्ताकार पथ पर आर है और इसकी चाल अगर भी है, स्पर्श रेखा का दूरी, और इसमें द्रव्यमान वस्तु का एम है, तो इधर की ओर बल चाहिए, इसमें बल चाहिए इधर की ओर, ये एफ बल। इस एफ बराबर क्या हो गई, एफ बराबर अभिकेंद्र बल। इस चित्र को ही बना सकते हो, अभिकेंद्र बल, और जिसका मान हो गया एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर। चित्र को बना लो, तो इस अभिकेंद्र बल क्या हुआ, अभिकेंद्र बल चाहिए हमको, केंद्र की ओर हमेशा एक बल लगाना पड़ेगा, जो कि वेग की दिशा को बदलेगा, और इस वेग की दिशा के बदले बिना वृत्ताकार पथ पर गतिशील नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लोग किसी रस्सी में एक पत्थर को बांध करके घुमा रहे हैं, तो रस्सी का जो तनाव, रस्सी देखते हुए तुमको रस्सी तन जाता है, रस्सी में तनाव आ जाता है, तो रस्सी का जो तनाव बल है वही उसको अभिकेंद्र केंद्र की ओर एक बल लगाता है, जिससे कि जो पत्थर है वह वृत्ताकार गति पर घूम सकेगा। तो इस तरह से कोई कहीं भी है, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए एक बल चाहिए केंद्र की ओर, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी अभिकेंद्र बल का, तो तुम लोग परिभाषा लिख लिया इसका, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक गाड़ी है तुमको, जैसे कार है, वृत्ताकार मोड़ है, क्षैतिज वृत्ताकार मोड़ है, या क्षैतिज वृत्ताकार पथ, क्षैतिज मतलब समतल जो है तुमको, एक वृत्ताकार सड़क है। वृत्ताकार सड़क का मतलब जैसे पार्क समझ सकते हैं, पार्क के चारों ओर जो है एक दिया हुआ है, पार्क के चारों ओर कौन घूम रहा है, कोई वस्तु को, कोई कार को घुमा रहे हैं हम लोग, तो उसमें किस तरह से बल काम करेगा, वह किस तरह से उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, उसकी कितनी चाल होनी चाहिए, तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ये अभिकेंद्र बल हो गया तुम्हारा, चलो अब है वृत्ताकार पथ पर लगने वाला बल। क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर वाहन की
गति। क्षैतिज का मतलब हो गया कि जैसे वृत्ताकार पार्क है एक, उसके चारों ओर एक सड़क बना हुआ है, उस पर चलना है किसी को, जैसे कि वृत्ताकार पथ हो गया। इसकी त्रिज्या आर है, इस पे तुमको कोई कार है या कोई वाहन है ये, जिसका द्रव्यमान एम है, इसको इसके चारों ओर चलना चाहता है, जिसका कि यहाँ पर जो वेग हो गया, इसका वेग हो गया, चाल हो गया, चाल बराबर इसका भी है, और इस पथ पर ये क्या करना चाहता है, घूमना चाहता है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यहाँ केंद्र है इसका। तो इस पर जो काल, इस पर जो बल लगता है, एक एक वाहन, एक कार, कार का द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान m है, जो r त्रिज्या के, जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी चाल से, भी चाल से गतिशील है, भी चाल से गतिशील है। तो इस पर जो बल लगेगा, इस पर तीन बल लगता है, इस पर, इस कार पर, इस कार पर, कार पर उसका भार mg, उसका भार mg तथा अभिलंब प्रतिक्रिया n, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया n n एक दूसरे के, एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, बराबर एवं विपरीत हैं, तथा वे तल के लंबवत हैं, तथा वे तल के लंबवत हैं। इसलिए n बराबर क्या हो गया, mg, n बराबर mg, n बराबर mg, ये हो तुम्हारा हो गया तल के लंबवत। तो यह जो तल के अनुदिश, तो अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, तभिलंब के अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं कर सकता है ये। तो तल के, तल में सिर्फ एक घर्षण बल ही ऐसा बल है जो इसको क्या कर सकता है, केंद्र की ओर लग करके अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकता है ये। तो एक घर्षण बल ही है तुमको, एक घर्षण बल ही है तुमको जो कि क्या लग सकता है, केंद्र की ओर काम कर सकता है। घर्षण बल ही एकमात्र बल है, एकमात्र बल है जो अभिकेंद्र त्वरण प्रदान कर सकता है, जो अभिकेंद्र त्वरण प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है, मतलब अभिकेंद्र, केंद्र की ओर लगेगा। और अभिकेंद्र बल, इसका इसका बल का क्या होता है मान, अभिकेंद्र बल जो है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल तुरंत प्रदान करता है, एम गुना भी स्क्वायर बाय आर, एफ एस कर सकते हैं इसको, एफ एस। और एफ एस का जो महत्तम मान होता है, और एफ एस ले, चूंकि एफ एस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो एम भी स्क्वायर बाय एफ एस का मान है लेस देन इक्वल टू, एन का मान एम जी है, यहाँ पर से निकला हुआ है तुम्हारा, तो यहाँ तो भी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, एम एम कट गया, और भी क्या होगा तुम्हारा, भी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, या भी का महत्तम मान रूट अंडर म्यू आर जी। कार की महत्तम चाल, महत्तम चाल भी बराबर रूट अंडर म्यू आर और जी, ये हो गया तुम्हारा। अगर इससे अधिक चाल से कोई कार चलती है तो वह क्या हो जाएगा, वह कार हो या साइकिल हो जो भी हो, यह फिसल जाएगी, वह रोड पर नहीं चल पाएगी। जैसे तुम्हारा एक उदाहरण दिया हुआ है, इस क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर 7.10 है, उसमें दिया गया है कि तुमको एनसीईआरटी उदाहरण 7.10 देखते हैं, एनसीईआरटी उदाहरण 7.10 है शायद, 7.10
जिसमें दिया हुआ एक साइकिल सवार जो है जिसका चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चल रहा है, वह एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर जाता है जहाँ पर कि म्यू का मान 0.1 है, 0.1 है, और उसकी त्रिज्या दी हुई है 3 मीटर पर, 3 मीटर है। तो उस पर जो चलने का जो कि महत्तम जो तुम्हारा वेग हो सकता है इस वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर महत्तम सुरक्षित वेग, सुरक्षित वेग भी बराबर हो जाएगा रूट अंडर म्यू आर जी, जैसा अभी सूत्र बताए। तो म्यू का मान है 0.1 इंटू 3 इंटू जी का मान 10 भी ले लेते हैं तो दैट इज रूट 3, दैट इज 1.732 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर तुमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने हैं तो किलोमीटर में बदलने के लिए किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो घंटा को सेकेंड में, बाय 1000 हो गया ये, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 7.32 × 18/5 × 3.6 तो 7.32 × 18 × 18 = 3.1/5 तो लगभग हो गया तुम्हारा ये 3.1, तो ये हो गया तुम्हारा महत्तम सुरक्षित वेग है तुम्हारा लगभग आ गया 7.32 × 18 = 3.1/5 6.2 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ ये कितना हुआ 6.2 किलोमीटर या 6.3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो साइकिल सवार की गति है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अर्थात क्या होगा, लेकिन प्रश्न में साइकिल सवार की गति कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, अर्थात वह क्या हो जाएगा, साइकिल सवार गिर जाएगा। लेकिन तो यह सुरक्षित वेग महत्तम इतना ही है, लेकिन प्रश्न में साइकिल सवार की गति कितनी दी हुई है, लेकिन प्रश्न में, लेकिन यही लिख देते हैं, लेकिन प्रश्न में साइकिल सवार की चाल, लेकिन प्रश्न में साइकिल सवार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अतः वह फिसल कर गिर जाएगा। मतलब सुरक्षित वो मतलब वृत्ताकार पथ पर क्या नहीं हो पाएगा, गतिशील गति नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका, ये तुम्हारा जो उदाहरण था जो इस पर बैठाया हुआ था 7.9। तो अब हम लोग देखते हैं जबकि तो इसके लिए क्या होता है, सुरक्षित गाड़ी जो कि नहीं जा पाता है तो उसके लिए क्या कुछ रोड के डिजाइन में ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे फिर से इस बात को बता दें, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है अगर किसी चीज़ को तो एन, जैसे एन लग जाएगा तुमको भार से, हम लोग जैसे ऐसे रखेंगे तो कार ऐसे है तो हमको जो उधर तल में दिखाए तो ये बोर्ड के अंदर चला गया है एम जी और नॉर्मल ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों आपस में लंबत होगा तो उसका कोई अवयव किस में नहीं आएगा, केंद्र की ओर नहीं जा सकता। ये इधर की ओर चला गया नॉर्मल जैसे पेन का नोक है और एम जी चला गया अंदर की ओर, तो एन बराबर एम जी हो गया। और घर्षण बल क्या हो गया, इधर की ओर लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन लेस देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो भी का मान क्या हो सकता है, महत्तम रूट अंडर म्यू आर जी, इससे ज़्यादा वेग से नहीं चल पाएगा वो। तो अब है तुमको इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक उपाय ये है आपको कि इस गति से बचने के मतलब कि इस जो है तुमको और ज़्यादा वेग से चल पाए सुरक्षित गाड़ी को घर्षण के बिना भी, घर्षण एक ऐसा भी बल है जो घर्षण का मान तो बरसात के दिन में और भी कम हो जाता है, तो कुछ रोड में ऐसा टेक्निक लगाया जा सकता है जिससे कि वह इस तरह के दुर्घटना से वह बच सके। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, कहते हैं रोड को झुकाव कर देते हैं। तो तुम्हारा जो दूसरा जो टॉपिक है, क्षैतिज सड़क पर एक वृत्ताकार पथ पर गति था, अब है बैंकिंग ऑफ रोड, उसको इंग्लिश में कहते हैं ढालूनुमा सड़क पर गति। ढालुनुमा वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्तीय गति,
पथ पर गति है। जब वृत्ताकार पथ के बाहरी भाग को कुछ ऊपर कुछ ऊंचा बाहरी भाग को कुछ ऊंचा तथा अंदर के भाग को था अंदर के भाग को नीचा रखकर ढालू नुमा बनाया जाता है, ढालू नुमा बनाया जाता है, बनाया जाता है तो कार तो वृत्ताकार पथ पर चलने वाली चलने वाले वाहन पर अभिलंब प्रतिक्रिया का एक अवयव केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगकर अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जैसे कि ये क्या हुआ तुमको, जबकि सड़क पर तुमको ढालू नुमा बना देंगे और घर्षण के बिना, अगर घर्षण को अभी अटैच ना करें तो उस समय क्या होगा, तो अगर जो कि हम लोग ढालू नुमा बनाएंगे तो जो नॉर्मल है तुम्हारा, जैसे कि ये तुमको गाड़ी है तो नॉर्मल तुम्हारा जैसे गाड़ी है तुम्हारा तो नॉर्मल तुमको ये MG इधर लग रहा है अगर, और जैसे ही गाड़ी ढालू नुमा हो जाएगा रोड पर, तो रोड पर जैसे ही ये आया जैसे इस तरह समझे, तो गाड़ी पहले ऐसे समतल था तो नॉर्मल ऐसे जाता है, लेकिन गाड़ी जब उदग्र जब गाड़ी ऐसे हो गया इस ढंग से हो गया तो गाड़ी जब रोड ऐसे हो गया तो नॉर्मल झुक जाएगा इस ढंग से, तो नॉर्मल का एक अवयव जब नॉर्मल जैसे देखो ऐसे है तो जितना कोण से ये रोड बन रहा है जो कि हाथ है मेरा जो हाथ देख रहा है ये समतल है अगर ऐसे है तो नॉर्मल इधर चला गया तो MG इधर लगा तो MG बराबर N हो गया तो घर्षण तो ही सिर्फ दे सकता है, इस रोड को अब इस इधर के भाग को हम लोग ऊपर कर दिए ऐसे उठा दिए तो अब क्या होगा, ये गाड़ी और स्वतः झुक जाएगी अभिलंब से, इधर अभिलंब प्रतिक्रिया चला जाएगा नॉर्मल, तो ये उदग्र से कितना होगा कुछ, जितना कौन से इसको झुकाए हम रोड को उतना ही कौन से नॉर्मल किधर झुक जाएगा मेरा, उदग्र से झुक जाएगा, तो नॉर्मल का एक अवयव जो एन अगर ये इस रोड का अगर झुकाव थीटा है तो अभिलंब भी उदग्र से, अभिलंब पहले उदग्र में था अब ये भी उदग्र से थीटा में झुक जाएगा, तो उदग्र का एक अवयव एन कॉस थीटा किसको संभालेगा, वस्तु के भार को संभालेगा और एन साइन थीटा क्या देगा, उदम अभिलंब प्रतिक्रिया देगा, तो ये तुमको एन कॉस थीटा एम जी इधर है और एक नॉर्मल इधर है और ये तुमको उदग्र से इधर झुक जाएगा, ये कितना कौन से इधर थीटा, तो ये हो गया एन कॉस थीटा और इधर की ओर क्या काम करेगा एन साइन थीटा काम करेगा, तो घर्षण अगर घर्षण के बिना अगर काम करें तो जैसे कि इसको क्या कहते हैं रोड को अगर ऐसा प्लेन कर दे, रोड को अगर थीटा कोण से झुका दिया गया है तो अगर रोड का झुकाव क्या है लिख लेते हैं, यदि सड़क का झुकाव थीटा हो तो अभिलंब प्रतिक्रिया N तो अभिलंब प्रतिक्रिया N उदग्र से थीटा कोण बनाती है, इस स्थिति में जब घर्षण उपेक्षा की जाए तो
एन कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एम जी को इसको भार को संभालेगा एन कॉस थीटा, और एन साइन थीटा जो इसका एक उदर अभी ये केंद्र की ओर रहेगा, एन साइन थीटा बराबर क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पर कि भी तुम्हारा वस्तु की चाल हो गई और ये आर हो गया उसकी त्रिज्या। तो इस प्रकार क्या हो गया, एन साइन थीटा बटे एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर इंटू एम जी, दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी, इतना झुकाव होना चाहिए, या थीटा के झुकाव से अगर रोड बना हुआ है तो वी बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये इसको कहते हैं डिजाइन स्पीड कह सकते हैं, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड है, डिजाइन चाल, इतना से कार चले तो कुछ सुरक्षित रहेगा, लेकिन घर्षण बल अभी हमारा रिजर्व बल है, घर्षण बल अगर तुमको है तो वह क्या कर सकती है, इसके गति को थोड़ा कम या ज़्यादा भी करें तो वह एक रेंज तक हमें बचा सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा, जबकि बिना घर्षण को कंसिडर किए हुए इतना चाल से चलना चाहिए। तो अब हम लोग दूसरा केस में देखते हैं, इसी में वृत्ताकार पथ पर ही इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जब घर्षण बल रहेगा तो क्या होगा, महत्तम चाल, घर्षण बल ढालू नुमा सुरक पर घर्षण बल के साथ तुम्हारा जब रहेगा तो क्या महत्तम चाल हो सकता है, ये तो हो गया भिनोट, लेकिन जब घर्षण बल भी रहेगा तो अगर तुमको ये देखें तो घर्षण बल का भी एक अभी अब क्या होगा तुम्हारा, घर्षण बल तो तल के अनुदिश लगता है, नॉर्मल तुमको ऐसे देखो, नॉर्मल तुम्हारा इधर चला गया, ये यहाँ पर इसको जो इसका जो कि अगर हम लोग घर्षण बल रहे तो किस ढंग से इसका दिखाएंगे, घर्षण बल रहने पर तो ये तुम्हारा घर्षण बल, ये चित्र तो पहले अलग से बना लो, इसको थोड़ा सा फिर से इसको जो है मिटा दे रहे हैं, इसको फिर से बना लेते हैं, इसको इसको नोट कर लो, तो इसमें देखते हैं, इसको नया ही चित्र बनाते हैं, नया ही बोर्ड फिर से कर लेते हैं, ढालू नुमा सड़क पर घर्षण के साथ गति, इसको अलग से हेडिंग भी दे देते हैं, तो ढालू नुमा सड़क पर घर्षण के साथ गति, ढालू नुमा सड़क पर घर्षण के साथ गति, तो ये तुम्हारा है, ये थीटा कोण से झुका हुआ है, कोई गाड़ी आएगा तो ये इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो इधर इस पर लंबत हो गया, तो जाहिर है कि वह भी उदग्र से कितना झुक गया, इधर एम जी लग रहा होगा इसका, और यह जो तुम्हारा हो गया उदग्र से कितना झुक गया, यह उदग्र से यह थीटा कोण से झुक जाएगा, तो ये तुम्हारा इधर की ओर कितना लगेगा, यह अभी थीटा कोण हो गया, तो ये एन कॉस थीटा हो गया, ये हो गया एन कॉस थीटा, और इसका एक अवयव जो एन साइन थीटा है वो तो चला जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया देगा इधर की ओर, केंद्र है इधर, ये वृत्ताकार पथ का केंद्र होगा इस साइड, लेकिन घर्षण बल अगर अधिकतम चाल के लिए बात करें तो घर्षण बल किधर लगता है, घर्षण बल इस तल के अनुदिश लगता है, तो अगर वस्तु को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा गति से चलना है तो घर्षण बल जो इधर की ओर काम करेगा, जो कि इधर की ओर काम करेगा घर्षण बल, तो इसका एक अवयव तुमको जो है घर्षण बल का एक अवयव इधर की ओर चला जाएगा और एक अवयव किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा इधर की तरफ, तो घर्षण बल का एक अवयव जो हो गया तुम्हारा ये इधर की ओर क्या हो जाएगा, इधर कितना कोण बना रहा है, ये दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, ये तो एफ साइन थीटा हो गया इधर, और इधर की ओर जाएगा इसका एक अवयव जिसका मान हो जाएगा एफ कॉस थीटा, तो इधर की ओर चला जाएगा एफ कॉस थीटा, घर्षण बल इंटू कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, तो ये तुमको क्या करेगा, दोनों मिल के अभिलंब बल प्रदान करेगा, ये तुमको एन के बराबर होगा, तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों का मान क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये तुमको अभिलंब अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और चूंकि एफ का महत्तम मान
क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, आपका महत्तम मान म्यू एन होता है, तो इसका रख देते हैं तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन कॉमन हो गया तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, या एन बराबर क्या हो गया एम वी स्क्वायर बटे आर और इनटू क्या होगा तुमको साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये तुम्हारा किसका मान हो गया, एन का मान हो गया तुम्हारा, और एन का मान यहाँ पर भी रख देंगे तो एम वी स्क्वायर बाय आर के एन का वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ पर। अब इधर के संतुलन की अवस्था में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर के तरफ जो अवयव होगा ये दोनों बराबर होगा, चूंकि संतुलन उदग्र में जब करेंगे तो एन कॉस थीटा उदग्र में क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा एफ साइन थीटा। तो यहाँ से भी एन का मान निकाल लेंगे तो एन कॉस थीटा, तो इसको एक साथ कर लेते हैं एम जी बराबर, तो इसको इधर कर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तो इसको इधर ले आओ तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी, ऐसा कर सकते हैं। तो एन हो गया कॉमन, तो एन और क्या होगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर एम जी, तो एन बराबर क्या हो गया एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो इसका मान रख देते हैं, इसमें एक में मान रख देते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं इसको, तो या तो पहले इसको इसी को उतार लो, पहले इसको उतार लो तब इसमें मान रख देना डायरेक्ट। तो यहाँ पर वी स्क्वायर का मान रखते हैं, चूंकि एन का मान तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज इट कितना, तो एन का मान कितना हो गया एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर एम भी स्क्वायर बटे आर इंटू कितना हो गया तुम्हारा, इंटू हो गया तुम्हारा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इसका जो मान हो गया भी का जो वैल्यू हो गया, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, तो भी का जो महत्तम मान आ गया भी बराबर भी स्क्वायर बराबर, या भी रे लिख दो डायरेक्ट के ही, इसी को लिख देते हैं रूट अंडर आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो अगर कॉस थीटा से भाग करते हो ऊपर नीचे तो टेन बन जाएगा, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वेग हो गया, ये भी का महत्तम चाल हो गया, भी मैक्स हो गया, ये महत्तम इससे ज़्यादा नहीं, अधिकतम चाल हो गया ये अधिकतम, इससे ज़्यादा वेग से गाड़ी नहीं चला सकते आप। और अगर न्यूनतम निकालना हो तो इसका भी का मान तो इसकी दिशा बदल जाएगी, तो न्यूनतम के लिए इसको घर्षण की दिशा क्या कर देना होगा, न्यूनतम बल के लिए घर्षण की दिशा को ऊपर की ओर कर देंगे, तो इसका जो एक अवयव है तुमको चला जाएगा एन के तरफ, एक अवयव इसके विपरीत भागेगा, तो उस स्थिति में दोनों जगह पर ये जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो न्यूनतम चाल का जो फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर आर जी, यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा इसमें प्लस, तो ये तुमका न्यूनतम चाल निकल जाएगा। तो वृत्ताकार पथ पर जैसा कि एक दिया हुआ तुम्हारा 7.10 जो लास्ट उदाहरण है उसको तुम इस फार्मूला पर बैठा सकते हो, अधिकतम चाल का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसी के साथ इसका जो तुम्हारा कांसेप्ट का जो लेक्चर है तुम्हारा खत्म हो गया। जिस स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में पूछना हो, किसी भी कंसेप्ट को समझने में इसमें दिक्कत हो रहा है, जैसे पुली वाले कुछ एक आध क्वेश्चन ही बताए, तो इस तरह के क्वेश्चन को दिखने पूछने के लिए जिसको जहां भी दिक्कत होगा जिस प्रश्न में, तो राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से उसमें जो है हमारे व्यक्तिगत जो है पर्सनल जो कॉन्टैक्ट का नंबर दिया हुआ है वहाँ आकर के संपर्क कर सकते हो, जिसको पर्सनल मदद की जरूरत है जहां भी। और कंसेप्ट के वीडियो तुमको राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां पर तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा जिसको भी दिक्कत है, जो भी अगर जेई मेंस जेई एडवांस या किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के राइटर ऐप पर पूरी तैयारी हो सकती है। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।